नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आज हम लोग मौजूद हैं HEC के हेडक्वार्टर के सामने। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे HEC के जो इंजीनियर्स हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 40 दिनों से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के। 14 महीने से वेतन नहीं मिला। यहाँ पर कई सारी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर की, कैंडल मार्च निकाला, बाइक रैली निकाली क्या, और यहाँ पर इवन आपको बता दें कि यहाँ पर पकौड़ा तलने का भी काम किया। कई सारी चीज़ों के जरिए अपनी बातों को यहाँ पर रखते हुए नज़र आए थे। क्या कुछ आगे रणनीति बनेगी? कई सारी चीज़ें आप लोगों के द्वारा कर ली गई है और अभी भी क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग? मैडम, रणनीति हम लोग इसको बचाने के लिए, जो भी रणनीति बन रहा है HEC को बचाने के लिए और यहाँ के एम्प्लॉय को सर्वाइव करने के लिए बन रहा है। अभी डिफरेंट हम लोग फेज में डिफरेंट आंदोलन चला रहे हैं। ये आंदोलन इसलिए चल रहा है, सिर्फ सोए हुए मैनेजमेंट और सोए हुए सरकार को जलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। ये मैनेजमेंट इतने निकम्मे हैं, जो आज 45-46 दिन हो गया आंदोलन का और अभी तक एक बार भी अपने ये गेट जो बंद किया हुआ है उस गेट से बाहर नहीं आए हैं। और गेट से बाहर ना आया ये मैनेजमेंट तो फेल्योर है ही, साथ में जो सरकार बैठे हुए हैं वो भी फेल्योर है। उसका फेल्योर होने का कारण ये बता देता हूँ आपको, इस मैनेजमेंट का। सरकार ने 4 साल से इसको मेन जो मुखिया होती है CMD, जिसका सीट खाली रखा, इस सीट को खाली रखने के चलते इनको कोई डंडा चलाने वाला तीन लोग इस मैनेजमेंट पर मिला नहीं। और ये डंडा चलाते हैं उनका भी, हर आदमी का एक गार्जियनशिप होता है, गार्जियनशिप का रोल निभाने वाला कोई मिला नहीं। आज के डेट में ऐसा हो गया है कि इतनी बड़ी मातृ उद्योग, जो उद्योगों की जननी माना जाता है और एशिया की ये सबसे बड़ी औद्योगिक कारखाना है, जिसको आज हर फील्ड में अपने आप में गौरवान्वित किया गया है और डिफरेंट तरह के पुरस्कार भी मिला है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। गन बैरल भी यहीं से बना है, इसरो का लॉन्चिंग पैड भी यहीं से बना हुआ है, कोल माइंस का जो व्हील बोगी है, ये गोल्ड माइंस का, उसका भी बना है। कोल माइंस का अधिकतर मैक्सिमम मार्क इक्विपमेंट जो है सो यहीं से बनता है, स्टील प्लांट का मैक्सिमम इक्विपमेंट। तो सोचिए, इस कंपनी को ऐसा नहीं बंद होने के कगार पर आया है, इसको बहुत प्लानिंग वे में बंद करने की साजिश है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की मंशा हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन इसको पूरे साजिश के तहत बंद करने की नौबत आ गया है। आज जो जिस दिन यहाँ स्मार्ट सिटी का नींव पड़ा, उसी दिन से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गया इस कंपनी को बंद करने के लिए। स्मार्ट सिटी को सिर्फ और सिर्फ इसके इर्द गिर्द में रखा गया कि इसको बंद करने के लिए। लेकिन आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाना चाहता हूँ और स्टेट गवर्नमेंट को भी जगाना चाहता हूँ, यदि HEC नहीं रहेगा तो यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी एवं आसपास के लोग रह रहे HEC को बचाने के लिए जिस हथकंडे का उपयोग करना पड़ेगा, HEC के सारे लोग, यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी एवं आसपास आवासीय परिसर में रह रहे लोग तथा इसमें समाहित गांव और विस्थापित लोग, इसको बचाने के लिए यहाँ नहीं, रांची में नहीं, पूरे झारखंड में और पूरे देश में जन आंदोलन करेगा और HEC को बचा कर छोड़े। ये माँ को मारने का जब आज इनके ऊपर साजिश के तहत मारा गया है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर के, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी से लेकर के, यहाँ आसपास के लोग इसको बचाने का काम किया है। और अभी भी ये दावा करता हूँ हम लोग अधिकारी और कर्मचारी के माध्यम से कि HEC बचेगा, और HEC बचेगा तो देश की आर्थिक विकास होगा और देश को आर्थिक विकास, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही सिर्फ HEC को बनाया गया था। HEC को इसीलिए बनाया गया था कि देश को डिफरेंट क्षेत्र में जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज की दुर्गति ऐसा हो गया है, इस निकम्मे सरकार और कुर्सी के लालच में बैठे हुए लोग और निकम्मे मैनेजमेंट ने HEC को बंद करने के लिए एक साजिश कर रहा है।
केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकार इसको लेकर के वार्ता भी करती हुई नज़र आती है और स्पष्ट रूप से राज्य सरकार भी कहती है कि केंद्र सरकार इसको लेकर के पहल करेगी, उनके अधीन है ये मामला। तो राज्य सरकार अगर ये कहती है कि केंद्र सरकार के अधीन है ये मामला, तो स्मार्ट सिटी में 40% हिस्सेदारी है उन्होंने अपना क्यों रखा? जब HEC की ज़मीन ली जा रही थी उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाया कि HEC नहीं किसी और इलाका को स्मार्ट बनाया जाए? ये अलग मैटर है मैडम, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार है, आप पीछा नहीं छोड़ा सकते HEC से इस तरह से। रही बात HEC की, HEC में बैठे जो टॉप लेवल के अधिकारी लोग हैं, मैनेजमेंट है, वो एक्चुअली इतने बड़े कारखाने को चलाने के लिए सक्षम ही नहीं है। उनमें से कुछ लोगों का तो नौकरी साल दो साल बचा है, वो आराम से बिजली वाली गाड़ी पे घूम रहे हैं। अभी भी आपने देखा कितने लोग जा रहे थे, बिजली वाली गाड़ी उनको है, उनका रिटायरमेंट नज़दीक है। और हम लोगों को कहा जाता है जिनको 14 महीने से वेतन नहीं मिला है कि आप अपना पैसा खर्चा करके गाड़ी में तेल भरा करके ऑफिस आइए। कैसे आए आप, अपनी गाड़ी क्यों नहीं सरेंडर करते हैं? यही सब कुछ वजह है जो HEC का ये दुर्दशा हुआ है। पूरी तरह से प्रबंधन और साथ में केंद्र सरकार और साथ में हम राज्य सरकार को भी शामिल करेंगे, क्योंकि स्टेक पे सबका कुछ ना कुछ है। राज्य सरकार को भी यहाँ का ज़मीन चाहिए, राज्य सरकार भी चाहती है कि HEC ध्वस्त हो जाए, जितनी बिल्डिंग है जितने भी बने हुए मतलब इमारत है सब उनका हो जाए, उनकी सारी ऑफिसें यहाँ खुल जाएँ। केंद्र सरकार चाहती है स्मार्ट सिटी बन जाए, प्रबंधन चाहता है मेरा रिटायरमेंट हो जाए, अब उच्च अधिकारी चाहते हैं हमारा आराम से बिना कुछ किए हुए यहाँ से रिटायर होकर अपना पैसा लेकर के चले जाए। बाकी नीचे लेवल के जितने अधिकारी हैं, वर्कर हैं, जो भी छोटे लेवल के अधिकारी हैं, उन सबकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, क्योंकि इनका हम लोगों से कोई आत्मीय संबंध कभी नहीं रहा, ना ये हमारे बॉस रह पाए ना हमारे गार्जियन बन पाए जी। ये हम लोगों को मारने का काम किए हैं और कुछ नहीं किए। अगर हम बात करें इस वक्त HEC की, तो कितना काम हैम्पर इस वक्त हो रहा है, क्योंकि आप लोग लगभग 40 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हो, तो काम कितना हैम्पर हो रहा है? मैडम देखिए, काम तो अब पिछले 1.5 साल से वैसा कुछ हो भी नहीं रहा था, ना ही प्रोडक्शन रिव्यू मीटिंग हो रहा था। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं और CMD साहब हैं, इन लोग को प्रोडक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, सीधे बात हम बता रहे हैं आपको। इन लोग को अगर मतलब रहता तो 1.5 साल पहले जो स्थिति थी उसी समय प्रोडक्शन का रिव्यू करके उसको वो पटरी पर ला सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और जिस कारण से आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। और प्रोडक्शन तो हम लोग अभी भी अगर कुछ होता है, लेकिन भूखे पेट कैसे करेंगे? अगर प्रबंधन की तरफ से, सरकार की तरफ से हमारी जो मांगे हैं, पहली कि भाई आप हमको रोड मैप दे दीजिए और हमारा जो हमने कार्य किया है वो हमारा हक है, अधिकार है, आप उसका भुगतान कर दीजिए। आप खुद सोचिए कि आदमी कैसे अपना परिवार चलाएगा बिना वेतन के पिछले 13 महीनों के। लेकिन न जाने ये सब कौन सा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रबंधन हो, ये सब कौन सा ठूसा अपने कान में लगा के बैठा हुआ है। इन तक हमारी पिछले 45 दिनों से हम लोग यहाँ पर अपने दर्द को, जो हमारी परिस्थिति है उसको बयां कर रहे हैं, लेकिन ये सब के कान में अभी तक वो ठूसा नहीं निकला है। तो अब आगे का जो भी होगा कि अब ये सब ऐसे सुनने वाले नहीं हैं इन लोग। अच्छा आप बताइए एक चीज़ और कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, डायरेक्टर साहब को गाड़ी मिली हुई है, उसका तेल का पैसा सब HEC दे रहा है, और आपके पास हमारे बच्चों के स्कूल फी का पैसा देने के लिए नहीं है? लाख डेढ़ लाख रुपए आप लोग महीने का उसका दे रहे हैं ना, तो क्यों दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं वो सब? और आप जो ज़रूरी है आदमी को पेट के लिए वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल का फी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। इनको स्पष्ट शब्दों में बोल देना चाह रहे हैं कि साहब या तो आप हमारी बात सुनिए और या तो कुछ अनहोनी होने का इंतजार करिए। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब HEC के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो तमाम लोग अपनी बातों को यहाँ पर रखते हुए नज़र आ रहे हैं और कई सारी चीज़ें यहाँ पर एक अनहोनी की बात उन्होंने कही है, तो क्या कुछ बातें हो सकती हैं? मैम देखिए, जिस तरह से अभी वातावरण चल रहा है और जिस तरह से जो एक तरफ तो मैनेजमेंट है, एक तरफ जो है हमारा घर का माहौल है, जिस स्थिति में हम लोग माहौल से लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ आके हमें मैनेजमेंट से संघर्ष करना पड़ रहा है, घर में घर की स्थिति से संघर्ष करना पड़ा है। आप सोचिए, अभी महंगाई जब चरम सीमा पे है, उस समय हमें 13-14 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो हमारे लिए कितनी कठिनाई हो रही है घर चलाने में।
अपने परिवार लोगों के खर्च पालन करने में उसकी समझ में इन्हें नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि सबसे पहले उन्हें यहाँ के लोगों का पेमेंट करना चाहिए, उसके लिए एक रोड मैप बनाना चाहिए कि पेमेंट कैसे करें। कुछ वार्ता भी नहीं हो रही है। हमें खबर मिला कि आने वाले हैं, CMD साहब ने बोला कि सचिव से मीटिंग होगी, सचिव के बाद कुछ आप लोग को मैप मिलेगा। आज ही शायद होने वाली थी, आज भी कैंसिल शायद हो गई है, ऐसा खबर मिल रहा है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने अपनी बातों को रखा है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है इन तमाम लोगों को हो रही है। 14 महीने से वेतन नहीं मिला है और साथ ही साथ कई सारे आरोप जो है HEC के जो अधिकारी हैं उन पर भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार पर। तो देखना ये होगा कि आखिर आगे कब तक ये इंतज़ार करेंगे, क्योंकि 14 महीने हो चुके हैं और काफ़ी बड़ा कदम जो है वो आने वाले समय में HEC के इंजीनियर्स जो है वो उठाने वाले हैं। नमस्कार।